नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बरेली की आवाज में। आ गया है बरेली की आवाज एक बार फिर लेकर आप सभी बरेली की मशहूर प्रतिभाओं के लिए एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कुकिंग कारवा। जी हाँ, बरेली की आवाज की ओर से कुकिंग कारवा शुरू हो चुका है और आपके द्वार आ चुका है। आइए, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं बरेली की मशहूर प्रतिभाओं से, और सबसे पहले आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर आराधना सिंह से, जो आज बहुत ही स्पेशल एक डिश हम और आप सभी के लिए बनाने जा रही हैं। क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग सभी जानते हैं कि सभी घर पर थे, फैमिली पूरी घर पर रुकी हुई थी, कोई जॉब पर नहीं जा रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो घर की महिलाएं ही हैं जिन्होंने जिनकी ड्यूटी चार गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर घर के परिवार वालों का मन बहलाया। आइए इसी प्रकार से मिलते हैं डॉक्टर आराधना सिंह से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? मैं कोकोनट स्पेशल गुजिया बनाने जा रही हूँ। नॉर्मल गुजिया तो आप लोगों ने सबने होली के फेस्टिवल में जो बनती हैं घरों में वो खाई होंगी, पर कोकोनट स्पेशल गुजिया बहुत डाइजेस्टिव होती है और स्वादिष्ट होती हैं, और इसमें जो इंटीग्रेंट्स हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। उसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये खाने में बहुत ही लाजवाब होती हैं। और आइए मैं आपको अपनी किचन में ले चलती हूँ, वहाँ पे देखते हैं क्या तैयारी की है। ओके मैम, आइए चलते हैं डॉक्टर आराधना सिंह के किचन में, उन्होंने किस तरीके से इस मेहनत से तैयारी की है कोकोनट गुजिया। या मैम, ओके, कोकोनट गुजिया, उसमें क्या क्या उन्होंने स्पेशल कुछ आविष्कार किया है, या किस तरह से उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या क्या उसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है, आइए दिखाते हैं बरेली की आवाज़ के माध्यम से। हमारी किशमिश हो गई, ड्राई फ्रूट्स में चिरौंजी हो गई, ये बादाम है क्रश किया हुआ, बिल्कुल पीस लेंगे ग्राइंडर में, और ये हरी वाली इलायची है, करीबन 10 इलायची हमने पीस ली है, ये शुद्ध घी है देसी घी, और ये है कोकोनट क्रश किया हुआ कोकोनट पाउडर, और ये है बूरा, और ये है खोया, ये है चाशनी, और ये जो स्टफ है हमारा जिसको हम गुजिया में भरेंगे वो है इंटीग्रेंट्स, इसमें इसके अंदर सारे ये वाले इंटीग्रेंट्स हैं पड़े हुए, और ये है मैदा चिपकाने के लिए, जब हम बनाएंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, मैदे का घोल है। गार्निशिंग के लिए बादाम इस तरीके से ले लेंगे हम, और ड्राई फ्रूट ले लेंगे, उसको हम गार्निश कर देंगे बाद में। मैदा लेंगे, मैदा हमने लगभग 200 ग्राम लिया है, और इस मैदे से हम दो तैयार करेंगे सॉफ्ट डो। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें करीबन 3 टेबल स्पून देसी घी का मोइन लगाएंगे, और उसके साथ साथ हम इसे गुनगुने पानी से मारेंगे। जो डो होना चाहिए हमारा वो ना तो टाइट होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट होना चाहिए, एक मीडियम टाइप का डो जिससे उसकी पूरी आसानी से मिल जाए, और जब वो फ्राई होगी तो वो सॉफ्टनेस के साथ तैयार हो। उसके बाद हम इसको डो तैयार करके रखेंगे, उसके साथ साथ हम इसकी पूड़ियाँ बना के रख लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम एक बाउल में मैदे को घोलेंगे, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पानी, इसको ताकि आसानी से चिपक जाए, खुले नहीं जब हम फ्राई करेंगे। तो हमने इसे साइड में लगा लिया है, ये बहुत ज़रूरी टिप है, क्योंकि अगर ये गुजिया गरम तेल में खुल गई तो ये पूरी फैल जाएगी, उसका स्टफ पूरा तेल में फैल जाएगा, तो इस टिप को ज़रूर ध्यान रखें। अब हम लेंगे ये स्टफ, इसमें हमने 50% कोकोनट डाला है और 50% इसमें खोया है, उसके अलावा सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमने क्रश कर लिया है, क्रश करने के बाद हमने इसको इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको उस तरीके से दबाते हैं, ना बहुत तेज़ी से और ना बहुत आराम से, ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है, नॉर्मल ये फट जाएगी। ओके, और बहुत आसानी से हम इसे साइड से निकालेंगे। ये आपकी इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी।
मीडियम आंच पे हम तेल को गरम करेंगे और उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि वो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो पाए, सिर्फ हमें गुलाबी ही तलनी है। ज़्यादा डार्क भी नहीं करनी है, नॉर्मल गुलाबी कलर। हाँ, ज़्यादा सेकनी नहीं है और कच्ची भी ना हो हमारी। सबसे पहले हम एक तार की चाशनी बनाएंगे जिसमें जैसे एक कटोरी या एक कप चीनी लेंगे और उतना ही हम पानी लेंगे। एक तार की चाशनी हम पका लेंगे, पकाने के बाद थोड़ी गुनगुने पे ही हमें उसको अप्लाई करना है, मतलब लगाना है इस भुजिया के ऊपर। और सेकेंड इंटीग्रेंट हमारा जो मेन है वो कोकोनट है, इसका छिलका उतार के तब हम इसे कद्दूकस करते हैं या इसको क्रश कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। और इसको हमने गुजिया ली और हमने चाशनी में डिप करी। चाशनी में हमने डिप करने के बाद हमने इसके ऊपर इसको कोकोनट बुरादे में पूरी तरीके से लगा दिया चाशनी में। चाशनी में डिप करने के बाद हम इसको बुरादे के ऊपर पूरी आप बताइए कि आपको डॉक्टर आराधना मैम की गुजिया खाकर कैसा लगा? डॉक्टर आराधना सिंह ने बहुत अच्छी गुजिया बनाई है। इनका स्वाद बड़ा उत्तम है, बड़े मीठी सी हैं और बड़े मिठास से इन्होंने बनाई हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ, क्या कहते हैं, होली के ना समय होने पे भी इन्होंने ऐसा लग रहा है कि होली का सेलिब्रेशन कर दिया। क्या बात है। तो मैं सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मिठास है कितने सालों से आप मैं तो करीब 18 साल समझ लीजिए, हमारी शादी को हो गया तब से मीठी मीठी गुजिया खाने को मिली रही है। क्या बात है, थैंक यू सर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? कौशल। कौशल जी, आई थिंक आपकी भाभी हैं। बिल्कुल। तो भाभी जी के हाथों का स्वाद कैसा लगा आपको इतनी मीठी मीठी गुजिया खाकर? तकरीबन जैसा भैया ने बताया, हम लोगों को भी 18 साल हो चुके हैं भाभी के हाथों की गुजिया खाते हुए, और उनके जो हाथ का मिठास है वो हर साल बढ़ता ही जाता है। अच्छा। और आज मैं कहूँगा कि होली नहीं है लेकिन फिर भी होली की याद दिला दी। ये कुकिंग कारवा जो ये कार्यक्रम बरेली की आवाज़ के माध्यम से हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, खासतौर पे जब कोरोना काल चल रहा है तो लोगों के पास ज़्यादा मतलब लोग डरे हुए हैं, समय नहीं है लोगों के पास बाहर निकलने का, अगर निकलते भी तो डर लगता है। ऐसे में अगर आप जैसे लोग चैनल अगर निकल कर आते हैं, लोगों के घर जाते हैं और ऐसी रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो जो आज मिठास हमको खाने को मिली है आपकी आवाज़ बरेली की आवाज़ की तरफ से और लोगों के पास भी पहुंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डैडी जी को तो बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों को इस गुजिया का स्वाद कैसा लगा? हमें गुजिया बहुत अच्छी लगी और भाभी ने बहुत टेस्टी अल्टीमेटली बहुत अच्छी गुजिया बनाई है, पहले कभी तो खाई नहीं, फिलहाल ये टेस्ट जो आज भाभी ने बनाया है। अच्छा, इसका मतलब आज स्पेशल स्वाद मिला है? हाँ, आज स्पेशल स्वाद मिला है, हर दिन से ज्यादा अलग। क्या बात है। बेटा आपको कैसी लगी गुजिया? मुझे भी गुजिया बहुत अच्छी लगी और गुजिया बहुत अच्छी भी बनी है और अच्छी लगी है, मतलब देखने में भी अच्छी लग रही है। अच्छा, खाने में कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत टेस्टी है। मीठी है, खट्टी है? मीठी है। मीठी है, कंफर्म? यस। अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच बरेली की आवाज़, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और कुकिंग कारवा में हम लोगों को मौका दिया इस लॉकडाउन कोरोना के पीरियड में, जहाँ पे हम लोग काफ़ी खाली समय में इन सारी चीज़ों को बनाया, हमने इन्जॉय किया, लेकिन आपने हमें मौका दिया लोगों के सामने आने का। और स्पेशल थैंक टू बिलाल लहंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया।